हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक हेड्स के बारे में। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की जो प्रॉब्लम होती है, ये सबको डेली फेस करना होता और इसका कोई परमानेंट सलूशन भी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो आपको अपने स्किन की केयर करनी होगी, अपनी स्किन का ध्यान रखना होगा और जो आपके पोर्स हैं उनको क्लीन रखना होगा। अगर आप अपने पोर्स को क्लीन नहीं रखते हैं तो आपको व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और पिंपल की प्रॉब्लम होगी। ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हमारे स्किन में जो डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स क्यों होते हैं, वो पॉल्यूशन की वजह से, डर्ट, ऑयल और स्वेट यानी कि पसीने के कारण होते हैं। अगर हम इसको अच्छे से एक्सफोलिएट नहीं करते हैं तो ये डेड सेल्स जम जाते हैं और फिर व्हाइट हेड्स हो जाते हैं और क्या होता है, ब्लैक हेड्स की लेयर आ जाती है और वो ब्लैक हेड्स बन जाता है। और अगर हम इसको रिमूव नहीं करते हैं तो कुछ धीरे धीरे पिंपल बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम जो मुझे भी फेस करनी पड़ती है, तो ये वीडियो हमारे लिए ही है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इजी सा ब्लैक हेड रिमूवर प्रोसीजर जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। फर्स्ट स्टेप, हम सबसे पहले स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग ना सिर्फ स्किन की डेड सेल्स बाहर निकालते हैं बल्कि चेहरे की पूरी जमा गंदगी भी बाहर निकल जाती है। स्किन की डलनेस भी दूर करता है और स्किन ग्लो करती है। जहाँ जहाँ हमें व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं, हम वहाँ वहाँ स्क्रब करेंगे और बिल्कुल लाइट हैंड से हम स्क्रब करेंगे। और अगर आपको लगता है बीच में, तो आप थोड़ा सा वाटर लेके उसको अच्छे से लाइट हैंड से पूरा स्क्रब कर लेंगे। एक मिनट तक करेंगे लाइट हैंड से, उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। पोर्स को अनलॉक करने के लिए हमें चाहिए गर्म पानी और एक धुला हुआ रुमाल। इसको हम या कोई भी क्लीन कपड़ा चल सकता है। अब हम इसको पानी में डिप करेंगे और हमें जहाँ भी ब्लैक हेड, व्हाइट हेड हैं, हम वहाँ इसको प्रेस करके रखेंगे। अच्छे से आपको प्रेस करके रखना है ताकि आपके पोर्स अनलॉक हो जाए। ऐसा हम 1 से 2 मिनट तक करेंगे। अगर वो ठंडा हो जाता है तो हम वापस गर्म पानी में डिप कर लें। हमें चाहिए ये, इसे बोलते हैं ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रिमूवर। और हमें जहाँ भी ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड, हम उसको अच्छे से रिमूव कर लेंगे ध्यान से। इसको अच्छे से रिमूव करेंगे, फिर इसको हम क्लीन भी करेंगे और उसके बाद फिर से हम जहाँ जहाँ हमें व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, वो अच्छे से रिमूव कर लेंगे। ध्यान से करिएगा और हम पूरे व्हाइट हेड्स आपके देखिएगा आराम से निकल जाएंगे। देखिए कितने इजीली ये निकल गए हैं। अब हम बर्फ लगाएंगे क्योंकि ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रिमूव करने के टाइम हमारे स्किन में थोड़ा सा टगिंग और पुलिंग हुआ था, वो उस सब जगह के सेल्स और स्किन को काम डाउन करने के लिए हम बर्फ अप्लाई कर रहे हैं। तो लास्ट में हमारी स्किन केयर का स्टेप, जैसे कि टोनर और मॉइस्चराइज़र है, मैं एस्ट्रिजेंट यूज़ कर रही हूँ, आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा घर में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रिमूव करना कितना आसान है। हमें 100 टाइप के DIY भी नहीं करना पड़े और हमारी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।